أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी तौफीक से आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम किताबुल्लाहिल अज़ीज़ का मुताला शुरू कर रहे हैं सूरह अल फातिहा से। और क्या ही अजब इत्तफाक है कि कल से इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक का आगाज़ है और आज शाबान का आखिरी दिन, जो कि बज़ाते ख़ुद बड़ी बरकत रखता है कि आज के बाद से रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है। और इंसान के इरादे कुछ होते हैं, अल्लाह सुभानहू व तआला के जो इरादे हैं वही सबसे गालिब हैं और वही सबसे बेहतर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर हमें इसकी तौफीक नसीब हो रही है। यह रमज़ान 1441 हिजरी का रमज़ान है जो इंशाअल्लाह कल से शुरू हो रहा है। हमारे सामने सूरह अल-फातिहा का मुताला आज मौजूद है और सूरह अल-फातिहा की फजीलत और उसके जो नाम हैं हदीस मुबारका में बयान हुए और फिर उसमें जो मौजूआत हैं, और ख़ास तौर पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसमें वो जो अहम अल्फाज आते हैं उनको भी एक दफ़ा हम देख लेंगे इंशाअल्लाह। तो सूरह अल-फातिहा के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्मुल कुरान है और एक और हदीस में फरमाया कि ये फातिहतुल किताब है, यानी किताब को खोलने वाली, किताब का आगाज करने वाली। और सबउ मसानी का नाम भी इसे दिया गया, सूरह अश्शिफा का नाम भी इसको दिया गया। और एक और नाम जो सूरह फातिहा के लिए आता है वो है सूरतुल कंज। कंज कहते हैं खजाने को, यानी ये सूरह जो है ये दरअसल खजाना है। और ये वो सूरह है जो खजाना सूरतुल कंज इस लिहाज से भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरह उस ख़ज़ाने में से है कि जो अर्श के नीचे है और उसी ख़ज़ाने से ये सूरह दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा उन्ज़िलत फ़ित्तौराति वला फ़िल इंजीली वला फ़िल ज़बूरी वला फिल फुरकानी मिसलहा व इन्नहा सबउ मसानी वल कुरआनुल अज़ीमुल लज़ी उतीतहु। अल्लाह की कसम या उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस जैसी कोई सूरह न तौरात में नाजिल की गई, न इंजील में नाजिल की गई और ना ही ज़बूर में नाजिल की गई,
और ये फुरकान है और ये बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात हैं और ये कुरान अजीम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। इस हदीस में ये जो जिक्र आया है कि ये सूरा जो ना तौरात में नाजिल की गई, ना इंजील में और ना जुबूर में, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़ज़ाना दिया गया। ये दरअसल उनका भी एज़ाज़ है और उनकी उम्मत का भी एज़ाज़ है। अल्लाह सुबहानहु व ताला ने 104 किताबें नाजिल फरमाईं अपने इंसान, अपने बंदों यानी इंसानों की हिदायत के लिए। फिर उनके खुलासे के तौर पर यानी उन सारी किताबों का खुलासा 4 किताबों में रख दिया गया। खुलासे के तौर पर जो 4 किताबें उतारी वो हैं तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। फिर इन 4 किताबों को एक में जमा कर दिया गया और वो है अल कुरान। फिर कुरान में से जो कुछ भी है यानी पूरी किताब अल कुरान में जो कुछ भी है उसे एक सूरा में जमा कर दिया गया और वो है सूरा अल फातिहा यानी फातिहातुल किताब। और जो कुछ इस सूरा में बयान हुआ है उसे एक आयत में जमा कर दिया गया और वो आया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। सुभान अल्लाह। यानी तमाम किताबों का खुलासा और निचोड़ और तमाम मबऊस होने वाले अंबिया के पैगाम का खुलासा वो सूरा अल-फातिहा के अंदर और अहले किताब की राय में इस आयत के अंदर मौजूद है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। सुभानअल्लाह। इस सूरा की इतनी आज़मत है कि जितना भी ज़्यादा इसके बारे में जानते चले जाते हैं उतनी ही ज़्यादा इस सूरा के साथ मोहब्बत बढ़ती है। और जब इस सूरा की मारिफत और मोहब्बत मिलती है तो फिर ये दिल चाहता है कि और कुछ भी ना पढ़ें, बस इसी सूरा को ही पढ़ते रहें तो ये काफ़ी और शाफ़ी हो जाए। और हकीकत में अगर कोई इसको समझ कर पढ़ता है तो ये वाकई उसके लिए काफ़ी और शाफ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुल कुरआनी हिया सबउल मसानी वल कुरआनुल अज़ीम। ये उम्मुल कुरआन है यानी कुरआन की असास है, बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात हैं और कुरआन अज़ीम है। अजब बात है कि सूरा अल-फातिहा जो है फातिहातुल किताब है और ये नाजिल हुई और उसके बाद इसको शुरू में रखा गया और उसके बाद बाकी कुरान नाजिल हुआ। नुजूल की तरतीब के एतबार से हम देखते हैं कि ये मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरा में पहली सूरा है। वैसे तो जो नुजूली तरतीब है जिसको हमने समझा था उसमें सबसे पहली आयात नाजिल होने वाली इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, और अहले इल्म ये कहते हैं कि वो पहली नाजिल होने वाली आयात हैं जिसमें पढ़ने का हुक्म है। और दूसरी नाजिल होने वाली आयात जो हैं वो हैं सूरा अल मुद्दसर की शुरू की आयात जिसमें रिसालत है, यानी पहली जो है वो दरअसल वही के दिए जाने से मुतालिक है और उसमें पढ़ने का हुक्म दिया गया। दूसरी जो आयात नाजिल हुई दूसरे नंबर पर वो सूरा अल-मुद्दसर की आयात, उनके अंदर दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया गया, रिसालत उनको दी गई और उनको हुक्म दिया गया कि अब वो उठ खड़े हों और इस पैगाम को लेकर लोगों तक पहुँचाएँ। और मुकम्मल सूरा जो नाजिल हुई उसके बाद वो सूरा अल-फातिहा है और ये 2 मर्तबा नाजिल हुई। एक मर्तबा ये मक्का में नाजिल हुई, इसीलिए इसको मक्की सूरा कहा जाता है, और इसलिए भी कि ये आगाज़ में नाजिल हुई है और ये ओपनिंग का काम करती है
इफ्तिताह करती है, फातिहतुल किताब इसीलिए इसे कहा जाता है। और इसलिए भी ये मक्की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शुरू में पहली दफ़ा जब दी गई तो यही सूरह मुकम्मल तौर पर दी गई। फिर इसके बाद ये सूरह जो है वो मदीना मुनव्वरा में भी उतरी है, इसका थोड़ा सा जिक्र आगे चल के फिर आएगा। एक और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे मुताल्लिक है, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक फरिश्ते ने आकर ये खबर दी, और वो फरिश्ता सारे फरिश्तों का सरदार जिब्रील है कि अबशिर बिनूरैनी उतीतहुमा लम युतहुमा नबीयुन क़ब्लका फातिहतुल किताबी व खवातीमु सूरतिल बकरती लन तक़्रा बिहर्फिन मिन्हा इल्ला उतीतहु। कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको दो नूर मुबारक हों जो पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, और वो हैं सूरा फातिहा यानी फातिहतुल किताब और सूरा अलबकरा की आखिरी आयात। आप इसमें से जिस हर्फ की भी तिलावत करेंगे वो आपको दिया जाएगा। यानी सिर्फ ये नहीं कि दुआ, बल्कि एक हर्फ के बदले भी जो मांगा वो दिया जाएगा। और अल्लाह सुबहान व तआला ने इस सूरा को अपने और अपने बंदे के दरमियान नस्फ नस्फ तकसीम किया है, जिसकी थोड़ी तफसील थोड़ी बाद में देखते हैं। फिर इसी तरह से इस सूरा के एजाज में ये भी आता है कि ये वो सूरा है कि जो हर नमाज में पढ़ना लाजिम है। ला सलाता लिमन लम यक्रा बिफातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं कि जो फातिहतुल किताब को ना पढ़े। सुबहान अल्लाह, अगर हम इस नुक्ते पर गौर करें तो मालूम होता है कि ये वो सूरा है कि जो दिन में कितनी ही मर्तबा दोहराई जाती है और कितनी ही मर्तबा सुनी जाती है। अगर कोई शख्स जमात की नमाज में शामिल है तो वो इमाम से भी सूरा अल-फातिहा को सुनता है, लेकिन कभी भी आज तक किसी के शऊर से भी ये नहीं बात गुजरी कि बार बार सुनने से इसकी जो लज्जत है वो ख़त्म हो जाए, या ये कि ये ख्याल जहन में आए कि बार बार एक ही आयत पढ़ने से माज़अल्लाह कोई बोरियत का एहसास हो। हरगिज़ ऐसा नहीं है। सुभान अल्लाह, इस सूरा के अंदर जो खजाने छुपे हुए हैं वो इस तरह से हम समझेंगे कि ये सूरा दरअसल, जिसको फातिहतुल किताब कहा गया, ये दरअसल कलीद है, ये दरअसल कुंजी है, ये दरअसल वो असल चीज़ है, वो दरवाज़ा है कि जिसको खोलकर हम कुरान मजीद में दाखिल होते हैं। और इमाम अल-गज़ाली रहिमहुल्लाह कहते हैं कि पूरा कुरान जो है उसके सात मौजूआत हैं, सात मौजू कुरान मजीद के हैं, और वो सातों के सातों सूरा अल-फातिहा में मौजूद हैं। और जो सात मौजूआत उन्होंने कुरान मजीद के बताए हैं, उनमें सबसे पहला है रुबूबिया, यानी अल्लाह सुबहाना व ताला को रब मानना और उसको इलाह मानना। रुबूबिया उलूहिया, ये साथ आएगा, उसको इलाह मानना, उसको रब मानना। और दूसरा है नुबुवा, यानी उसने इंसानों की हिदायत के लिए जो अंबिया भेजे उनके ऊपर ईमान लाना, और उनका तज़किरा पूरे कुरान मजीद में जा बजा मौजूद है। तीसरा मौजू जो कुरान का है वो है माद, और माद का मतलब है दरअसल, माद के कई सारे मानी हैं, जिनमें एक माना जो है वो लौटना, अंजाम, और एक माना है मौत के बाद बेसत, हशर, नुशूर यानी इकट्ठे होना, वापस आना,
तो ये माद से मुतालिक जो ख़बरें हैं वो भी कुरान मजीद में मौजूद हैं और मुख्तलिफ अंदाज में मौजूद हैं। फिर उसके बाद एक मौजू है कुरान मजीद का, वो है अहकाम। अब अहकाम के अंदर नवाही भी आ जाते हैं, यानी हुक्म करो और हुक्म के ना करो, अवामिर और नवाही, करने के अहकाम और ना करने के अहकाम, ये तफसील कुरान मजीद में मौजूद है। फिर उसके बाद पांचवा मौजू जो कुरान मजीद का है वो है वाद। और वाद क्या है? वाद दरअसल उन लोगों से किए हुए वादे हैं जिनका तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है, वो लोग के जो अल्लाह को इलाह मान लेते हैं, उसकी रुबूबियत का इकरार करते हैं, उसकी किताबों पर ईमान लाते हैं और किताबों के हामिल यानी अंबिया और रसूल के ऊपर ईमान लाते हैं, उसके अहकामात को मानते हैं, तो फिर उनको जो खुशखबरियाँ दी जाती हैं वो वाद है। और इनका ज़िक्र भी कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ उसलूब में मुख्तलिफ़ अंदाज में मौजूद है। छठा मौजू कुरान मजीद का वाईद है, और ये वाद का अक्स है, और चीज़ें अपने अवदाद से अपने अक्स से पहचानी जाती हैं। अगर वाद मौजूद है तो वाईद भी मौजूद है। वाईद से मतलब यहाँ पर बुरा अंजाम, सज़ा मुराद लिया जाएगा। और वाईद के जो मनाजिर पेश किए गए हैं या वाईद को भी बशिर के लफ्ज़ से ताबीर किया गया है, यानी इनको आज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए, तो ये भी एक बड़ा अजब उसलूब है कुरान मजीद का कि खुशखबरी तो कहते ही किसी अच्छी और खुशकुन बात के लिए हैं, लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला गुनाहगारों से और कुफार से मजाक करता है और उनका इस्तेहजा करते हुए उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, वह बशरिल मुनाफिकीन, या इसी तरह से कुफार के लिए भी कि इनको जहन्नम की खुशखबरी सुना दीजिए, आग के बारे में इनको बता दीजिए। तो ये दरअसल वाईद है जो कुरान मजीद में जगह जगह मौजूद है। और सातवां मौजू जो कुरान मजीद का है वो है कसस। कसस यानी वाकयात, किस्से, पहली अकवाम के किस्से, बल्कि उससे भी पीछे जाया जाए तो ज़मीन व आसमान की पैदाइश का किस्सा, ये कैसे वजूद में आई चीज़ें, जिनको कोई बिग बैंग कहता है तो कोई किसी तरह से इसको हादसाती वाकया कहता है कि बस कुछ चीज़ें आपस में टकराई और दुनिया वजूद में आ गई। कुरान मजीद इन हकीकतों के ऊपर से भी पर्दे हटाता है और इन चीज़ों को भी हमें बताता है कि इसका आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह से ज़मीन व आसमान की तख्लीक हुई, उससे पहले क्या था, अल्लाह सुबहान व ताला की खिदमत में कौन कौन सी क़ुव्वतें मुसख़र हैं, मामूर हैं, और वो इस कायनात का निज़ाम किस तरह से चला रहा है, वो वाक़यात के जो पहले हो चुके और वो वाक़यात के जो आने वाले हैं कसस, उनकी ख़बरें भी इस कुरान में मौजूद हैं। तो इस तरह से ये सात मौजूआत हुए जो पूरे कुरान मजीद के हैं। अब ये जो सूरा है, सूरा अल-फातिहा, तो अहले इल्म ये कहते हैं कि ये सातों के सातों मौजूआत जो हैं वो सूरा अल-फातिहा में मौजूद हैं। क्यों? इसलिए कि ये उम्मुल किताब है, और इसलिए भी कि ये फातिहातुल किताब है, इसलिए भी कि ये सूरा जो है दरअसल कुरान की कुंजी है। जैसे किसी भी इमारत में दाखिल होने के लिए, बंद दरवाजे को खोलने के लिए चाबी चाहिए होती है, ऐसे ही अगर हमने कुरान मजीद को समझना है तो इस सूरा को समझे बगैर कुरान मजीद को समझना मुश्किल होगा। तो अब आइए देखते हैं कि ये सातों के सातों मौजूआत जो हैं वो सूरा अल-फातिहा में किस तरह से मौजूद हैं। तो इसमें सबसे पहला नुक्ता रुबूबिया, उलूहिया। पहली ही आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें तो बहुत वाज़े तौर पर अल्लाह सुबहानहु व ताला के रब होने की गवाही मौजूद है। लेकिन अगर
हम आगाज़ करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, जो कि सूरह अल-फातिहा की एक आयत है। और यहाँ बाज़ोकात हमसे ये ख़ता हो जाती है कि हम कभी गफलत में जब सूरह अल-फातिहा पढ़ते हैं, या बेदहानी में कभी नमाज के अंदर भी या वैसे भी, तो कभी हम बिस्मिल्लाह को छोड़ भी देते हैं। बिस्मिल्लाह सूरह अल-फातिहा का हिस्सा है, 7 आयात बिस्मिल्लाह को शामिल करके बनती हैं। तो इसका ख्याल रखा जाए कि हर दफ़ा सूरह अल-फातिहा के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाए। तो अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करती हैं तो वो भी अल्लाह सुबहानहू व तआला का इस्म ज़ात ला के अल्लाह ताला के रब होने की, अल्लाह सुबहानहू व तआला के इलाह होने की एक बहुत बड़ी वाज़ह दलील शुरू में ही दे दी गई। यानी अल्लाह कौन है उसका तारुफ बिस्मिल्लाह में दे दिया गया, जिसकी तफसील थोड़ी देर में देखते हैं। तो रुबूबिया उलूहिया का आगाज़ हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर इसी तरह से अर्रहमानिर्रहीम, यहाँ तक ये सारी जो आयात हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, यहाँ तक ये 3 आयात जो हैं ये रुबूबिया और उलूहिया का तारुफ हैं और उसको पेश कर रही हैं। फिर दूसरा मौजू जो कुरान मजीद का है वो है नबुवा, और नबुवा दरअसल इस आयत के अंदर है जिसमें है कि अनामता अलैहिम, यानी ये अल्लाह सुबहानहू व तआला का इंसानों के ऊपर इनाम है कि उसने इंसानों को पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि उनकी हिदायत के लिए उसने अंबिया का इंतज़ाम किया, और वो मुंतखब मुस्तफ़ा और मुश्तबा इंसान बरपा किए, भेजे, जिन्होंने शरीयत को कायम करके अल्लाह के हुक्मों के इताअत करके इंसान के लिए एक मिसाल कायम की और उसके लिए अमल को आसान बना दिया और उनकी रहनुमाई की। ये मौजू भी आगे चल के बहुत तफसील से आएगा। फिर तीसरा है माद, और माद जो है ये दरअसल इस आयत के अंदर है जिसमें फरमाया कि मालिक यौमिद्दीन। अब यौमिद्दीन जो है ये दरअसल यौमुल क़ियामा है, यौमुल हिसाब है, यौमुल हश्र है, यौमुन अज़ीम है, और इसके भी मुख्तलिफ और नाम कुरान मजीद में मौजूद हैं जिनको यहाँ पर यौमुद्दीन के नाम से ताबीर किया गया। और इसी मौजू से मुतालिक जब कुरान मजीद के अंदर दाखिल होंगे तो इससे मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। तो ये 3 हो गए, रुबूबिया उलूहिया, उसके बाद नबुवा, फिर उसके बाद माद। अब अगला जो नुक्ता है वो है अहकाम। अहकाम किस तरह से सूरह अल-फातिहा में आए वो इस आयत के अंदर हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी उस रास्ते पर चलने का तरीका इंसान मांगता है, और तरीके की तमाम तफसील, अवामिर, नवाही, अहकाम, वाजिब क्या है, मंदूब क्या है, मुबाह क्या है, हलाल क्या है, और अगर इसके बरक्स हम देखें तो फिर मकरूहात कौन कौन से हैं, मुश्तबिहात कौन कौन से हैं, और मुहर्रमात कौन कौन से हैं, यानी हराम चीज़ें कौन सी हैं, ये सारी तफसील जो है ये दरअसल इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस रास्ते को हमने मांगा कि जो सिरात मुस्तकीम है, इसकी इल्तिजा की, इसकी दरख्वास्त की, तो अल्लाह ताला ने इस दरख्वास्त के बदले में हमें ये सारे अहकाम और नवाही, इन सारी तफसील आने वाली किताब में यानी सूरह अल-फातिहा के बाद इसमें हमें बता दी। फिर 5वां मौजू जो वाद है कुरान मजीद का वो इस आयत में जिक्र हो रहा है सूरह अल-फातिहा में, जिसमें सिरात अल्लदीना अनअमता अलैहिम। तो ये वो रास्ता है कि जिस पर चलने वालों को इसके दूसरे किनारे पर जन्नत मिलेगी, यानी जन्नत का वादा है उनसे। और जो भी इस रास्ते को अपने लिए इख्तियार करेगा उसके लिए ये लाजिम है कि वो रास्ते पर रहे, रास्ते पर होना ज़रूरी है, चाहे जिस तरह से भी इंसान उस पर चल रहा हो, कोई दौड़ रहा होगा, कोई चल रहा होगा, कोई रींग रहा होगा,
यानी हल्के हल्के होले होले उस पर चल रहा होगा, लेकिन अगर वो रास्ते पर है तो उसका मसीर, उसका अंजाम वो दरअसल जन्नत है। जैसे भी चले, अगर रास्ते पर रहा तो इंशाअल्लाह वो जन्नत पाने में कामयाब हो जाएगा, अल्लाह ताला की खुशी को पाने में, अल्लाह ताला की रज़ा को पाने में कामयाब रहेगा। वो सारी खुशखबरियाँ, वो सारे वादे जो मुख्तलिफ अंदाज में कुरान मजीद में पेश किए गए, और फिर उसी रास्ते पर चलने के लिए जो तरगीबात दी गई, कभी कहा कि साबिकू इला मग़फिरतिम मिन रब्बिकुम, कि सबकत ले जाओ अपने रब की मग़फिरत की तरफ, कभी कहा सारिऊ दौड़ कर चलो उस रास्ते पर, कभी कहा वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, यही तो चीज़ है कि जिसमें मुकाबला करना चाहिए, जिसमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जिस पर रश किया जाए। वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, यही तो काबिल रश चीज़ है जिसमें कोई रश करने वाला रश करे। लेकिन अजब बात यह है कि यहाँ इंसान के ऊपर सहूलत भी कर दी, एमलू मस्तफ़ातुम कह के, कि तुम्हें रास्ते पर ठहरना है लेकिन अपनी हिम्मत के मुताबिक इखलास के साथ अमल करते चले जाना है। ये मत समझना कि सब इंसान एक जैसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उस अजीम हस्ती की तरबियत में रहते हुए अगर कोई अबू बकर जैसा मकाम पा जाता है तो ये खास उसी का ही हिस्सा है, उन्हीं का नसीब है। कि ये वो लोग हैं कि जो जिनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तरबियत कर रही हैं, लेकिन जो मकाम अबू बकर रदी अल्लाहु अन्हु को हासिल हो गया वो उन्हीं का मुकद्दर था। और कुछ लोग जो बराह रास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़र तरबियत थे लेकिन वो पीछे रह गए। लेकिन हर एक के लिए कुल्लन वादल्लाहु हुस्ना, हर एक के लिए अल्लाह ताला ने अच्छा वादा कर रखा है। शर्त क्या है? रास्ते पर रहना। तो ये आसानी कर दी कि हर इंसान के हालात मुख्तलिफ हैं, इंसानों को इख्तलाफ पे पैदा किया गया है, सलाहियतें मुख्तलिफ हैं, वसाइल मुख्तलिफ हैं, हिम्मतें मुख्तलिफ हैं, समझ मुख्तलिफ है, ताकत मुख्तलिफ है। तो फिर हर एक से मुतालबा नहीं है कि वो दौड़े, लेकिन हर किसी से जो मुतालबा है वो ये है कि वो कोशिश करे। वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही चीज़ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो कोशिश करना लाजिम है, तो कोशिश से इस रास्ते पर चलते रहना ज़रूरी है। तो जन्नत और अल्लाह ताला के रिजवान का जो वादा है वो इस वादे से मुंसलिक है जो सूरह अल फातिहा मौजूद है। और फिर उसके बाद का जो मौजू है वो है वाईद। और वाईद क्या है? वो दरअसल अल मग़दूब अलैहिम वद्दालीन की शक्ल में है, यानी वो के जो मग़दूब अलैहिम हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ, और वो के जो रास्ते से भटक गए हैं उनके लिए जो वादे हैं, उनका तज़किरा सूरह अल फातिहा के में भी मौजूद है और आगे इसकी तफसील आएगी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये फातिहातुल किताब है, ये कुंजी है पूरे कुरान मजीद की, तो यहाँ पर ये मौजू ज़िक्र कर दिया गया, इसकी तफसील अब आगे आएगी। होया कि दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि लो, तुमने ये जो चीज़ें मांगी थी ये मैंने तुम्हें दे दी सूरह अल फातिहा के बाद पूरी एक किताब की शक्ल में। और सातवां मौजू जो कुरान मजीद का है वो है कसस। और कसस इसमें सिरात अल्लज़ीना, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अनाम तालेहिम पहले हो गए जिनके साथ वादे हैं, और गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, कि हमें उन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए कि जिनके ऊपर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, और वो लोग कि जो रास्ते से हट गए, गुमराह हो गए, वो कौमें जिनके ऊपर अज़ाब नाजिल हुआ, हम वो अज़ाब नहीं चाहते, हम वो रास्ता इख्तियार करना नहीं चाहते, हम उन कौमों के साथ होना नहीं चाहते। तो
इन अक्वाम के किस्से, इनकी नाफरमानियों के किस्से, और इन पर जो आज़ाब आया, जिस तरह से अल्लाह ताला की पकड़ आई, उसके किस्से कुरान मजीद में जगह जगह मौजूद हैं। और इसके अलावा वो कसस भी मौजूद हैं कि जो उन लोगों के हैं कि जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, तो अहले इनाम के किस्से भी मौजूद हैं और उन लोगों के किस्से भी मौजूद हैं कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला के गज़ब के मुस्तहिक हुए। फिर एक और अजब बात यह है इस सूरा के हवाले से कि ये सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू होती है और अन्नास पर ख़त्म होती है, यानी अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों के नाम। ये ख़त है जिसको भेजने वाला अल्लाह अज़्ज़ा वजल सुबहानहु व तआला है, और ये किसके नाम है? उसकी मखलूक यानी इंसान, जिसको उसने अपना खलीफा बनाया, अपना नायब बनाया, अपने पैगाम के का हामिल बनाया और एक बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा। फिर हम देखते हैं कि सूरह अल-फातिहा में, अभी हम तफसीर में आगे जाएंगे, लेकिन ये चीज़ जहन में रहे कि सूरह अल-फातिहा का मुताला करने के बाद जब हम कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो ये जो सात नुकात हमारे सामने आए हैं, इन सातों नुकात को सामने रख कर जिस भी हिस्से में हम होंगे उसको इनके साथ रिलेट करेंगे इंशाअल्लाह। कि अब यहाँ पर जो भी हम जिक्र पढ़ रहे हैं, कसस के अंदर है अगर, या माद है, या वाद है, या वाईद है, या रिसालत है, या फिर उलूहियत है, रुबूबियत है, तो इन सब का जिक्र इंशाअल्लाह हम तफसील से सूरह अल-फातिहा के बाद के जो हिस्से यानी सूरह अल-बकरा और दीगर सूरतों के अंदर इसकी तफसील हम पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन मेरे कहने का मकसद दरअसल ये है कि ये अहम मौजू जहन में रहना चाहिए और निगाहों में भी रहना चाहिए इंशाअल्लाह। इन्हीं सात मौजूआत की रोशनी में इंशाअल्लाह सूरह अल-फातिहा की जो तफसील हमने देखी है, इसके बाद कुरान मजीद का मुताला इसी नहज पर या इसी उसलूब पर होगा। फिर एक और बहुत ही खूबसूरत बात है, वो ये कि सूरह अल-फातिहा ये कुरान मजीद का मुकद्दमा कहलाई, और फिर मुकद्दमा भी इस तरह से कि वो अल्लाह सुबहानहु व तआला की कमाल मोहब्बत से शुरू हो रहा है। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपने अजाब का जिक्र शुरू में नहीं किया, नाफरमानों का जिक्र भी शुरू में नहीं किया, बल्कि आगाज ही अपने मुबारक नाम से और अपने दो मुबारक सिफाती नामों से किया जो रहम से शुरू हो रहे हैं, अर-रहमान अर-रहीम, दोनों मुबालिगा के सीगे हैं, वहाँ से आगाज किया, यानी अपनी रहमत को वसी किया, अपनी रहमत की तरफ लोगों को बुलाया। वो अल्लाह अर-रहमान अर-रहीम, वो शुरू में जिस तरह से शुरू करता है अपनी बात को, अपने कलाम को, वो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हम्द का माना क्या है इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन यहाँ जो मौजू है सूरह अल-फातिहा का, उसमें जो पहला मौजू है वो है कमालु महब्बतिर रब, यानी रब की मोहब्बत का कमाल। इस तरह की मोहब्बत अल्लाह ताला किसी और मखलूक से नहीं करते हैं, इस तरह की मोहब्बत का वादा अल्लाह ताला ने किसी और से नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत का जो कमाल है वो सूरह अल-फातिहा के शुरू ही में मिल जाता है, वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गोया के आगाज ही में मिफ्ताहु कमालिल महब्बा वो भी अता कर दी गई, यानी मोहब्बत के कमाल की चाबी भी मोमिन के हाथ में पकड़ा दी गई, वो भी उसको सौंप दी गई, बख्श दी गई, अता कर दी गई, सुभान अल्लाह। फिर एक और मौजू जो इसका है वो है कमालुर रग़बती फीमा इंदल्लाही अज़्ज़ा वजल, यानी इसके अंदर जो शौक है उसको डेवलप किया गया,
बंदों को यह बताया गया कि अल्लाह सुबहानहू व तआला के पास तुम्हारे लिए जो चीज़ें तैयार हैं, जो नेमतें तुम्हें मिलने वाली हैं, जो इनामात उस रब ने अपने बंदों की मेहमानी के लिए तैयार कर रखे हैं, उसका भी इस सूरह के आगाज ही में इजहार कर दिया गया। और वो इस तरह से कि अर्रहमान अर्रहीम कह के, अल्लाह ताला के ये दो सिफाती नाम दरअसल अल्लाह ताला के हाँ जो चीज़ें, जो रहमतें मौजूद हैं, जो इनामात मौजूद हैं, उसमें कमाल रग़बती फ़ीमा इंदल्लाह अज़्ज़ा वजल, यानी मुकम्मल तौर पर इंसानों के अंदर वो शौक पैदा कर दिया गया, वो रग़बत और वो मोहब्बत पैदा कर दी गई जो कि मतलूब है। और कुरान मजीद का ये उसलूब है कि वो लोगों को खौफजदा नहीं करता, बल्कि इताअत के अंदर मोहब्बत का अंसर जो है वो गालिब रखता है। इंसानों की ये कमज़ोरी है कि वो अगर अपना रोब डालना चाहें या अपनी अथॉरिटी, अपनी हैसियत को किसी दूसरे से मनवाना चाहें तो वो डरा कर मनवाते हैं, कुव्वत से मनवाते हैं, और फिर कभी वो कामयाब हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते। लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला का जो उसलूब है वो ये है कि अल्लाह ताला मोहब्बत के साथ, रहमत के साथ, उल्फत के साथ, हमदर्दी के साथ, कभी वो अपने आप को रऊफ़ुन कहता है, कभी वो अपने आप को रहीमुन कहता है, कभी वो अपने आप को रहमान कहता है, रहमान कह के सारी मखलूक को मुखातिब करता है, और कभी वो अपने आप को अश्शुकूर कहता है, कभी वो अपने आप को अलगफूर कहता है, कभी वो अपने आप को अलगफ़ार कहता है। तो मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ सिफाती नाम के ज़रिए से अल्लाह सुबहान व ताला मोहब्बत का बीज पहले बोता है। सज़ा तो बाद की बात है, हाँ अगर वो सारे तरीके जो मोहब्बत से समझाने के हैं और मोहब्बत से करीब जाने के हैं वो नहीं काम करते तो फिर एक आखिरी हरबा ये रह जाता है कि सज़ा दी जाए। और यही अल्लाह सुबहान व ताला का उसलूब है और यही उसका मंशा है कि बंदे जो हैं वो मोहब्बत से उसकी तरफ आएं, मोहब्बत से उसकी इताअत करें। और इस चीज़ का जिक्र कुरान मजीद में किया गया है कि यदउननना रगबन व रहबा, वो हमें पुकारते हैं रग़बत के साथ और रहब के साथ। अब ये जो रहब का लफ्ज़ है ये खौफ से नहीं है, यानी खौफ एक और चीज़ है। खौफ दरअसल उस चीज़ का होता है कि जिसको इंसान सामने देखता है, मसलन अगर कोई इंसान सांप को या शेर को सामने देख ले तो जब तक वो देखेगा नहीं उसको उससे उस तरह का खौफ नहीं आएगा जिस तरह से उसको देखने के बाद आएगा। जब वो देख ले और उसके मुजिर होने का उसको यकीन हो जाए कि ये वाकई उसको नुकसान पहुंचाने वाला है, खा जाने वाला है, डस लेने वाला है, तो फिर उसका खौफ पैदा होता है। लेकिन जो रग़बत है वो दरअसल वो शौक है कि जो किसी की मोहब्बत में आता है, और रहब दरअसल वो कैफियत है कि जो इंसान को गुनाहों से बचा कर रखती है। ऐसा रहब, ऐसी कैफियत के जो इंसान को गुनाहों से रोक लेती है, जो मोहब्बत में भी है और कभी कभी सज़ा भी जब याद आ जाती है तो इंसान रुक जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की मोहब्बत मुझसे खो जाए और मैं उसकी सज़ा का मुस्तहिक बन जाऊँ। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदउना रब्बहुम खौफन व तमअ, यहाँ पर भी अल्लाह सुबहानहु व ताला का रग़बत भी है और उसका रहब भी मौजूद है। तो ये जो आयात हैं जिसमें अर्रहमान अर्रहीम, ये है दरअसल कमाल रग़बती फ़ीमा इंदल्लाह अज़्ज़ा वजल। और दूसरी जो आयत है इसके बाद मालिक यौमिद्दीन, ये कमाल रहबती ही मिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल, यानी अल्लाह सुबहानहु व ताला का जो खौफ है, जो रहब है, वो दरअसल इस आयत के अंदर है। मालिक यौमिद्दीन यानी उसको ये यकीन है इन अल्फाज के कहने वाले को, इस आयत मुबारका की अपनी ज़ुबान से अदा करने वाले मोमिन को इस बात का यकीन है कि वापसी उसकी रब की तरफ होनी है। मालिक यौमिद्दीन, अगर वो अच्छा कर रहा है तो भी उसकी अच्छाई ज़ाया होने वाली नहीं, बल्कि उसके लिए तो उस अच्छाई के बदले में एक नहीं
कम से कम 10 और उससे भी ज्यादा अच्छाइयां उसको मिलने वाली हैं, लेकिन उसको साथ साथ ये भी ख्याल रहे कि अगर उसने बुराई की तो बुराई का बदला भी उसको मिलेगा। जज़ाउ सय्यातिन सय्यातुम मिस्लहा, यानी बुराई का बदला भी उसको मिलेगा और उतना ही मिलेगा जितनी उसने बुराई की है, लेकिन अच्छाई का बदला जो है वो ज्यादा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी देखें, यानी रग़बत जो है, कमालुर रग़बती फीमा इंदल्लाही अज़्ज़ा वजल, ये ज्यादा है उससे खौफ से कि नेकी का आजर जो है वो कई गुना बढ़ा कर दिया जाएगा, गुनाह जो है वो एक के बदले में एक ही मिलेगा, या उसकी सजा जो है वो एक ही होगी, उतनी ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो सुभान अल्लाह, किस तरीके से अल्लाह सुभानहु व तआला बंदों के अंदर अपनी मोहब्बत को और अपने पास जो खजाने हैं उसके अंदर रग़बत को पैदा करते हैं इन आयात के ज़रिए से। और फिर ये भी कि दुनिया में हर शख्स तो ऐश और आराम में नहीं है ना, बहुत सारे मज़लूम भी हैं, बहुत सारे दुखी भी हैं, बहुत सारे परेशान हाल भी हैं। तो इंसान को इस बात का जब यकीन हो जाता है कि अगर दुनिया में उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, दुनिया में उसके साथ अदल नहीं हो रहा है, तो ये दुनिया तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाली है। तो एक दिन आने वाला है जो बहुत करीब है, और वो कौन सा है? वो जजा का दिन है, यौमुद्दीन। और वो दिन जब कायम होगा तो अल्लाह सुभानहु व तआला उस दिन इंसाफ करेगा, वो उसके इंसाफ का दिन है। और जो लोग जन्नत वाले जब जन्नत में दाखिल होंगे तो वो तो अल्लाह सुभानहु व तआला से खुश होंगे, वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना नहतदी लौला अन हदानल्लाह, कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें यहाँ पर दाखिल किया और उसने हमें हिदायत दी। तो इस बात पर वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होंगे। और अहले जन्नत की जो शुक्रगुजारी है उसकी दो वजूहात होंगी, एक ये कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला की रहमत, कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है जिसकी वजह से उसने उनको जन्नत में दाखिल किया, वरना वो अपने आमाल के बलबूते पर जन्नत में दाखिल होने वाले नहीं थे। और दूसरा अल्लाह ताला की रहमत ने उनको घेर लिया और अपनी रहमत से उसने उनको जन्नत में दाखिल कर दिया, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के इताअत में गुजारने की कोशिश की, सही की, रास्ते पर कायम रहे। लेकिन जो अहले जहन्नुम हैं वो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। किस बात पर शुक्र अदा करेंगे? कि किसी को इस बात का अफसोस नहीं होगा कि हमारे साथ ज़्यादती की गई। उनको अल्लाह ताला की आदल पर पूरा यकीन आ जाएगा कि अल्लाह ताला ने आदल का मामला किया है, इंसाफ का मामला किया है जहन्नमियों के साथ भी। तो ये जो आयत है ना, मालिक यौमिद्दीन, ये बहुत बड़ी आयत है, इसके अंदर तो हिस्ट्री छुपी हुई है, तफसीर इंशाअल्लाह थोड़ी सी और आगे चल के देखते हैं। तो ये था दरअसल एक मुख्तसर सा खाका जिसको जहन में रखना ज़रूरी है कि सूरह अल फातिहा को इस तरीके से हम इंशाअल्लाह समझेंगे और पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप देखें कि सूरह अल फातिहा के आखिर में जो लफ्ज़ आता है यानी आमीन, और आमीन का मतलब क्या है? आमीन का मतलब ये है कि ए अल्लाह ऐसा ही हो, या ए अल्लाह ताला तो इसको कबूल कर ले, यानी जो दुआ मांगी गई है उस दुआ का बदला मिले, उसका सिला मिले, उसको कबूलियत मिले। और आमीन अरबिक ज़ुबान में इस्मुल फ़ेल को कहते हैं, ये बड़ा अजीब अंदाज है, इस्मुल फ़ेल, यानी ये एक वक्त में इस्म भी है और फ़ेल भी है। और आमीन कहने के बाद हर दुआ कबूल होती है, ये हदीस मुबारका में है। और सूरह अल फातिहा के बाद यानी सूरह अल फातिहा की तिलावत करने के बाद आमीन कहना ये ज़रूरी भी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी सूरह अल फातिहा के बाद आमीन कहता है, अगर उसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाती है तो उसके साबिका तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, यानी मालूम यह हुआ कि जब भी कोई शख्स सूरह अल फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह सुबहानहु व तआला के हुक्म से वहाँ पर कुछ फरिश्ते भी मौजूद होते हैं जो उस आमीन पर, यानी फरिश्ते जो हैं वो हमेशा सूरह अल फातिहा को सुनकर आमीन कहते हैं। और जब वो आमीन कहते हैं सुनने के बाद, तो अगर उनकी आमीन से पढ़ने वाले की आमीन मिल जाए तो उसके पहले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं।
कितना बड़ा एजाज है जो सिर्फ एक लफ्ज आमीन कहने से मिलता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत भी हमें बताई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस सूरह का जो रब्त है दूसरी सूरह के साथ वो कैसे है। तो इसमें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो ये है कि ये सूरह जो है ये फातिहतुल किताब है, यानी ये तो हमें मालूम है कि ये फातिहतुल किताब है। तो ये किस तरह से फातिहतुल किताब है कि ये पूरी किताब की ओपनिंग कर रही है, नंबर वन। नंबर टू ये कि ये सूरह जो है ये हर सूरह के लिए भी ओपनिंग का काम देती है, हर सूरह के लिए ये ओपनिंग है कि अगर सूरह अल-फातिहा के बाद उस सूरह को रखा जाए तो मुकम्मल तौर पर यह उसका मफहूम और उसका मानी अदा कर रही है। मिसाल के तौर पर सूरह अल-फातिहा को सूरह अन-नास के साथ अगर रखा जाए तो लगता है कि सूरह अल-फातिहा के ख़त्म होते ही सूरह अन-नास जो है वो शुरू हो गई है। और इसी तरह से अगर इसको सूरह अल-बकरा जो इसके फौरन बाद आने वाली सूरह है इसके सामने रख लिया जाए, जो कि है भी तरतीब के लिहाज से तो है भी, तो मालूम होता है कि इसमें सारे जो वादे और वईद और जो पहले हमने मौजूआत पढ़े हैं, माद है उसके अंदर, नबुआ है, वो सब जो हैं कसस हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर अगर उसके आखिर की तरफ जाया जाए तो हमें ये पता चलता है कि जो आखिरी हिस्सा है कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम, इसका जवाब जो है ना गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ये पूरे का पूरा सूरह अल-फातिहा में मौजूद है। यानी सूरह अल-फातिहा के अंदर यहूद के करतूतों को जिस तरीके से खोल कर बयान किया गया है और एक एक वाक़या को जो काबिले गिरफ्त था और जिन पर गिरफ्त हुई, जिन पर पकड़ उनकी हुई और जो उनकी हुज्जत बाजियाँ थीं, जो उनकी उनके दलाइल थे, जो उनके इनकार की शक्लें थीं, जो कुछ भी है जितनी तफसील के साथ सूरह अल-बकरा में आया है वो कुरान मजीद के किसी और हिस्से में नहीं आया। जिक्र मौजूद है लेकिन इख्तसार के साथ बाकी सूरह में, लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत तफसील के साथ इजमाल के साथ यहाँ पर इसका जिक्र सूरह अल-फातिहा में मौजूद है। तो गोया के सूरह अल-फातिहा जो है वो सूरह अल-बकरा के साथ भी जुड़ी हुई है। फिर इसके बाद अगर इसको उठा के सूरह आल-इमरान के शुरू में रख लें तो वहाँ भी बहुत खूबी से ये अपना इस मफहूम को अदा कर रही है। और वो किस तरह से कि वहाँ पर भी वलद्दालीन की सारी तफसील जो है वो सूरह आल-इमरान में मौजूद है कि वो दालीन यानी जो क्रिश्चियंस हैं, जो नसारा हैं, उनके जो करतूत हैं, उनके जो जिक्र हैं, बल्कि आल-इमरान दरअसल यानी इमरान की फैमिली, आपको पता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ही दरअसल आल-इमरान में है। और फिर उस ख़ानदान के अंदर जो अहम शख्सियतें थीं उनका जिक्र जो है तफसील के साथ, सैयदना ईसा की पैदाइश का तज़किरा तफसील के साथ, सैयदना ज़करिया का जिक्र तफसील के साथ जिन्होंने उनकी किफ़ालत की, बल्कि सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है उसका तमाम जिक्र और तफसील जो है वो वहाँ पर तफसील के साथ मौजूद है। तो गोया ये समझ आ रही है कि सूरह अल-फातिहा जो है ये दरअसल हर सूरा की भी ओपनिंग है और ये यानी इफ्तिताह है कुरान मजीद पूरे का भी, इफ्तिताह है कुरान मजीद में आने वाली हर सूरा का भी। और तीसरा नुक्ता ये है कि ये दरअसल इफ्तिताह है नमाज का भी, यानी अस्सलात का इफ्तिताह जो है वो भी सूरा अल-फातिहा से हो रहा है। सुभान अल्लाह, फातिहतुस्सलात भी है, ये फातिहतुल किताब भी है, फातिहतुकुल्लु सूरा भी है और फातिहतुस्सलात भी ये सूरह अल-फातिहा है। सूरह अल-फातिहा के बारे में तो पढ़ने लगें तो लगता है कि जैसे कई साल इसके मुताला के लिए चाहिए। तो ये जो रब्त है सूरह अल-फातिहा का बाद की सूरह के साथ भी, सूरह अल-फातिहा का मुकम्मल किताब के साथ भी, और सूरह अल-फातिहा जो है वो दरअसल नमाज का भी इफ्तिताह है, तो इसको भी अगर जहन में रखें। और इस सिर्फ मैं ये सोच रही थी कि अगर सिर्फ इसी रब्त को लेकर ही कुरान मजीद का मुताला किया जाए और इसी रब्त को लेकर ही हम सूरह अल-फातिहा को हर रकत के अंदर पढ़ें और इस पर गौर करें
तो कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इसी से ही मिल जाती हैं। सुभान अल्लाह, इतना हुस्न है, इतनी खूबसूरती है, इतना प्यार आता है अल्लाह सुभान व तआला के ऊपर के रब तूने कितना इनाम किया कि हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया और हमारे नबी को यह एजाज़ दिया, जो कि शुरू में हम हदीस पढ़ चुके कि ना ये तोहफा तौरात वालों को दिया गया, ना ये इंजील वालों को दिया गया, ना ये अहले ज़बूर को दिया गया, बल्कि ये फुरकान जो है इस जैसा फुरकान किसी और को नहीं दिया गया, ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया और उनके ज़रिए से इस उम्मत को दिया गया। अब उम्मत अगर अपनी शक्ल देखना चाहे तो आईना पेश करता है बात का कुरान कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इस उम्मत को फजीलत दी, मर्तबा दिया, मकाम दिया, इमामत के मनसब पर कायम फाइज किया, जो कि सूरह अल-बकरा का थीम भी है। लेकिन ये अपने हालात को देखे तो कहाँ पे हैं हम लोग, कहाँ खड़े हैं, अपना अपना जायजा भी साथ साथ लेते चले जाएं। तो जैसा कि पहले भी ये जिक्र हुआ है कि इसका जो रब्त है वो मुख्तलिफ तरह का रब्त है और सूरह अल-बकरा जो है वो पहला चैप्टर है लेकिन सूरह अन्नास आखिरी चैप्टर है। तो सूरह अल-फातिहा जो है वो शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से और फिर उसकी उसका एंड हो रहा है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास के, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी रब्बुल आलमीन की बात हो रही है, सारे जहानों का रब। और फिर जब इख्तिताम हो रहा है, आखिर हो रहा है, तो वहाँ रब्बुल फलक भी आ गया यानी कायनात भी उसके अंदर आ गई और फिर उसके बाद रब्बुन नास यानी लोग भी उसके अंदर आ गए। तो रुबूबियत, तौहीद रुबूबियत जो है वो किस तरीके से इसके अंदर है, कितनी ऑर्गेनाइज किताब है, कितनी मुनज्जम है शुरू से आखिर तक। फिर उसके बाद अल्लाह सुभान व तआला का एहसास रुबूबियत, इसको हम इंशाअल्लाह तफसीर में जाके ज़्यादा तफसील से देखेंगे, लेकिन जो कलीदी अल्फाज हैं, जो की वर्ड्स हैं, इनको अगर हम सामने रखें तो ये बड़ा अहम लफ्ज़ है अल्हम्द, इसको भी इंशाअल्लाह देखते हैं। और फिर इस सूरह का जो मज़मून है उसको हमने काफ़ी हद तक देख भी लिया है, लेकिन चंद चीज़ें और इसमें ऐड की जा सकती हैं कि यहाँ पर जो अंदाज शुरू ही करने का है वो बहुत यूनिक है, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जिस तरीके से इसका आगाज़ किया गया, यानी हर तरह की तारीफ, मुकम्मल हम्द व सना, मुकम्मल शुक्र, यानी हम्द के साथ शुक्र भी बहुत ज़रूरी है, वो सारे का सारा जो है उससे इस बात का, इस सूरह का आगाज़ किया गया। और फिर उसके साथ ही रब का लफ्ज़ लाया गया जो कि अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से है और जिसके कई सारे मानी हैं, यानी रुबूबियत उसके अंदर आती है, यानी रब पालने वाला है, नशो नुमा करने वाला है, आका है, मालिक है, देखभाल करने वाला है, ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, हाजतों को पूरा करने वाला है, तो ये सारे मानी जो हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो कीवर्ड हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में लाए गए, शुरू में लाए गए, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा ही की वो आयत है कि जो दूसरी सूरह के शुरू में, गोया के यानी पूरी सूरह को उठा के रखने के बजाय सूरह अल-फातिहा को, यानी सूरह अल-फातिहा पूरी सूरह को हर सूरह के शुरू में लिखने के बजाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दिया कि ये उसकी कायम मकाम है सिवाय सूरह अत-तौबा के। और सूरह अल-फातिहा के अंदर जब दाखिल हों तो फिर दोबारा से अर-रहमान अर-रहीम लाया गया, यानी जिसकी रहमत अपनी चोटी पर है, अपनी बुलंदी पर है। और फिर रहमान जो है वो फालान के वज़न पर इस्मुल मुबालिगा है और इससे मुराद दरअसल उसकी सारी मखलूक है और वो सिफा रहमान होने की वजह से पूरी कायनात को चला रहा है और सब इंसानों को और सब मखलूकात को, चाहे वो इताअत करें या ना करें, उसको इलाह माने या ना माने, कुफर करें, शिर्क करें, इताअत करें, निफाक करें, कुछ भी करें, हत्ता के परिंदों को, हत्ता के चूंटियों को, उनके बिलों के अंदर सारी मखलूकात को वो रिज़्क देता है और उनकी देखभाल कर रहा है अर-रहमान। और अर-रहीम जो है ये फ़ाइल के वज़न पर ये ख़ास मोमिनीन के लिए है और रहीम की सिफ़ा जो है ये दायमी सिफ़ा है जो ख़ास तौर पर अहले ईमान के लिए कि जब वो अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे और मालिक यौमिद्दीन का इकरार करते हुए जब उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो वहाँ उसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको जन्नत में दाखिल करेगा, जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया था। फिर एक अहम लफ्ज़ जो है वो
यौमिद्दीन यानी क़यामत का दिन, उस पर ईमान लाना कितना ज़रूरी है। जज़ा व सज़ा का तन्हा अल्लाह ताला मालिक है, साहिब इख्तियार है, उसके इताअत और उसकी इबादत की जाए, उसी से मदद मांगी जाए, ये सब चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं। अब जब हम ये कहते हैं कि मालिक यौमिद्दीन, तो एक और अंदाज में जब देखें तो यानी यौमिद्दीन की समझ आती है कि जैसे हिस्ट्री का मालिक वो अल्लाह सुभानहू व तआला है, यानी तमाम इंसानों को शुरू से आखिर तक। हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री तारीख है, हिस्ट्री दरअसल गुजरे हुए वाकयात हैं जो हुए, और जो कुछ भी रूनुमा हुआ है इस ज़मीन के ऊपर या इससे पहले या इसके बाद होगा, अल्लाह ताला सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेगा और वो इस पर कुदरत भी रखता है। फिर एक और लफ्ज़ जो बड़ा अहम आया है वो है दरअसल इबादत का लफ्ज़। और इबादत का लफ्ज़ जब हम लेते हैं तो इबादत के साथ यानी अल्लाह ताला की इबादत, उसके सामने उबूदियत उसकी इख्तियार करना, उसके इताअत करना, तो इबादत के लफ्ज़ के साथ ही जो लफ्ज़ हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं यानी हमारे लिए इस्तेमाल हुआ वो है अब्द, यानी अब से मुराद यानी बंदा। अब बंदे का जो तर्जुमा हम करते हैं ना वो हम लेते हैं ग़ुलाम का ना, लेकिन इसका माना ग़ुलाम से कहीं बढ़ कर के है। यानी ग़ुलाम का लफ्ज़ जो है ना, जिस तरह से हम इस लफ्ज़ को अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं वो इसका हक अदा नहीं करता है। ग़ुलाम का लफ्ज़ जो है वो अब्द का कायम मकाम नहीं हो सकता या अब्द की तर्जुमानी नहीं कर सकता सही तरह से। अब्द जो है ना वो दरअसल वो मखलूक है कि जो बड़ी ख़ास है, जो बड़ी स्पेशल है। क्या वो इनामत जो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपने बंदे के ऊपर कर रखी हैं, कोई बंदा जिसकी ग़ुलामी में कोई और इंसान हो, जिसके पास कोई ग़ुलाम हो, वो सारे इनामात जो अल्लाह ताला किसी एक अपने बंदे पर करता है वो अपने ग़ुलाम के ऊपर करता है? इस नुक्ते पर गौर कीजिएगा। सच्ची बात यह है कि अब्द के मानी जो हैं वो ग़ुलाम से कहीं बढ़ कर के हैं। हाँ, ये एक मफहूम ज़रूर आ जाता है कि वो अब्द अपने आप को अब्द माने या ना माने, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह ताला के कंट्रोल में है, जैसे एक ग़ुलाम अपने आका के कंट्रोल में होता है। और ग़ुलाम के साथ जो रवैया होता है आका का, वो उसको बखूबी एहसास दिला रहा होता है कि तुम मेरे कंट्रोल में हो, तुम कहीं भाग के नहीं जा सकते, तुम मेरा हुक्म मानने पर मामूर हो। लेकिन अल्लाह सुबहानहू व तआला अपने बंदे के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं, लेकिन उन्होंने उसको थोड़ा सा इख्तियार भी दिया हुआ है और इसी इख्तियार को वो दुनिया में इस्तेमाल करता है। तो अल्लाह और बंदे का जो ताल्लुक है, जब आब्द हम कहते हैं तो आब्द के अंदर दरअसल आका की तरफ से प्यार और मोहब्बत का एक अजीम इजहार है। इसके अंदर ये जो लफ्ज़ है ना, इय्याका नअबुदु, यानी हम तेरी इबादत करते हैं, ये जो इबादत है और इबादत करने वाला आब्द जो है, ये बड़ा अजीब लफ्ज़ है, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है। यानी आप ग़ुलाम का लफ्ज़ आते ही तो आप अगर देखें तारीख को देख लें कि उसमें ग़ुलामों के साथ क्या सलूक हुआ करता था। अब ग़ुलाम उसके लिए इस्तेमाल होता है ना, लेकिन ग़ुलाम की हैसियत माशरे में क्या थी, घर के अंदर ग़ुलाम की हैसियत क्या थी, ग़ुलाम के साथ क्या वो सारे इनामात ग़ुलाम को मिलते थे जो एक आका इस्तेमाल करता था? हरगिज़ नहीं। इसी तरह से अगर आज इस वक्त ग़ुलामी नहीं है, ग़ुलाम मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम अपने घर में एक मुलाजिम ही को देख लें कि जो लो लेवल का मुलाजिम है, कि जो खादिम है या खादिमा है, तो उसके साथ भी जो रवैया इंसान का होता है, क्या उसको वो सब नियमतें मिल रही हैं जो उसके आका या उसके मास्टर या उसके कफील के पास हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला ने जब ये लफ्ज़ आब्द इस्तेमाल किया, और ये लफ्ज़ बड़ा ख़ास है कि उसने ये लफ्ज़ अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पर अगर हम ये माना करें कि ग़ुलाम का, तो सजता ही नहीं है वो माना, लगता ही नहीं है वो माना। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, सुभानअल्लाह, कि वो अपने बंदे को ले गया, तो बंदे का माना ग़ुलाम हो सकता है क्या? इसलिए मुझे ये बात बार बार आती है कि यानी उर्दू तर्जुमा बाज़ोकात उसका हक नहीं अदा कर सकता जब तक कि हम उस लफ्ज़ के को ना समझें कि किस एतबार से ये इस्तेमाल हो रहा है लुगत के अंदर। तो अब्द जो है
ये दरअसल कई मानी रखता है, लेकिन यहाँ पर जो मानी है उसमें यानी अल्लाह ताला ले गया अपने बंदे को, अल्लाह ताला ने ये अब्द का लफ्ज़ जो है ये अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया। ये बड़ा महबूब लफ्ज़ है अल्लाह ताला के नज़दीक, ये तो एज़ाज़ है, ये तो ऑनर है जो अल्लाह ताला ने एक इंसान को दिया कि उसको अपना अब्द करार दिया। वो माबूद है और इंसान जो है वो अब्द है, वो इला है और इंसान को उसकी उबूदियत जो है वो करनी है। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फरमाया कि अब्दुल्लाही व रसूलू, अब्दुल्लाही व रसूलू, कि अल्लाह का बंदा और उसके रसूल। तो ये बहुत ख़ास लफ्ज़ है, इबादत का लफ्ज़ बड़ा ख़ास है और आब्द का लफ्ज़ जो है वो बड़ा ख़ास है। और इबादत का लफ्ज़ जो है इसमें एक और चीज़ समझ लीजिए, वो ये है, ये अभी मैं सिर्फ जो की वर्ड्स हैं उन्हीं को वाजे कर रही हूँ और उन्हीं की एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। इंशाअल्लाह आगे चल के हम तफसीर जो है वो देखेंगे, लफ्ज़ों की जो की वर्ड्स हैं उनकी हम तफसीर देख रहे हैं। तो जो इबादत का लफ्ज़ है इसमें जो आता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जिसको अहले इल्म ने पूरे यानी तौहीद का और पूरी रिसालत का और पूरी किताबों का निचोड़ और ख़ुलासा करार दिया है, उसमें जो इबादत का लफ्ज़ है इसके लिए अहले इल्म कहते हैं कि इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाहु व यरदाहु मिनल अक्वाली वल अखलाकी वल आमाली ज़ाहिरती वल बातिनती। बहुत बड़ी बात है कि ये ऐसा जामे लफ्ज़ है कि जो लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाहु व यरदाहु, कि जो हर उस कौल के लिए, हर उस अखलाक के लिए, हर उस अमल के लिए जो चाहे जाहिर हो या छुपा हुआ हो, उसमें अल्लाह सुबहानहु व ताला को राज़ी करना, उसको मनाना, उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए जो काम किया जाए वो इबादत कहलाता है। यानी इबादत का मतलब सिर्फ वर्शिप से नहीं, ज़ाहिरी हरकात व सकनात से नहीं कि बस हाथ बांध के खड़े हो जाओ या हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, ये नहीं है, बल्कि या झुक जाओ या सुजूद करो, ये ज़ाहिरी एक शक्ल है, लेकिन इबादत जो है इससे बढ़ कर के है, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। और आब्द भी बहुत बड़ा लफ्ज़ है, आब्द और इबादत। इबादत जो है, इबादत की दरअसल दो किस्में अहले इल्म ने बयान की हैं, इसमें से पहली तो ये है कि अक्वाल हों, अखलाक हों, आमाल हों, आमाल चाहे ज़ाहिर हों या बातिन हों, खुले आमाल हों या ऐसी हरकत करना, जैसे नमाज के अंदर इंसान हरकत करता है कि वो खड़ा होता है, क़याम करता है, रुकू करता है, सुजूद करता है, और बातिन यानी वो नियत करता है, वो खामोशी से तिलावत करता है। इसी तरह से दूसरे आमाल की जो नियतें हैं वो भी उसके अंदर आ जाती हैं। रोज़ा है जिसको कोई इंसान देख नहीं सकता, लेकिन ये एक बातनी इबादत है कि किसी को क्या पता कि आप रोज़े से हैं, इल्ला ये कि आप उसके सामने कोई ऐसी हरकत ना करें तो उससे ये पता चलता है। तो गोया के वो इबादात के जो ज़ाहिरी है या बातनी है, सारी की सारी दरअसल अल्लाह सुबहानहू व तआला की मोहब्बत और उसकी रज़ा के लिए की जाएं। कुछ कहें तो अल्लाह ताला की मोहब्बत और रज़ा के लिए, कुछ ना कहें तो भी इसलिए ना कहें कि अल्लाह ताला इससे नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह को ये पसंद नहीं कि मैं ये बात कहूँ। इसी तरह से अखलाक के अंदर भी ये चीज़ ले लें, आदाब के अंदर ये चीज़ आ जाती है, तमाम आमाल ज़ाहिर और बातिन के अंदर ये चीज़ आ जाती है। तो इसके ऊपर ज़रूर सोचिएगा कि ये जो इबादत का लफ्ज़ है इसको हम वर्शिप के मानी में ना लें, पूजा पाठ के मानी में ना लें, कि पूजा पाठ का जो तसव्वुर के बुतों के सामने लोग बैठ जाते हैं और उनकी परस्तिश करते हैं और उसके लिए उनके लिए कुर्बानी पेश कर देते हैं और उनके लिए खून बहा देते हैं, या इस वक्त भी जो मुशरिकाना मजाहिब मौजूद हैं और उसमें किस तरह से पूजा की जाती है मंदिरों में जाके या मूर्तियों के सामने या इस तरह से, अल्लाह सुबहानहू व तआला की इबादत इससे बरतर है, इससे आला है और इससे ज़्यादा जामे है। और इबादत का लफ्ज़ का कोई और तर्जुमा नहीं हो सकता है, इबादत का तर्जुमा इबादत से ही किया जाए। तो इसमें जो पहला तर्जुमा है कि मुकम्मल रज़ा के साथ उसको राज़ी करने के लिए, उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए तमाम इबादत को बुरुए कार लाना। और दूसरा इसका माना इबादत का ये है कि अत्तज़ल्लुलु लिल्लाही मा महब्बतिन व तअज़ीमिन, यानी अल्लाह ताला के सामने आजजी इख्तियार करना, अल्लाह ताला के सामने बिछा देना अपने आप को, अल्लाह ताला के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना, उसके हुक्मों के सामने अपने आप को
फना कर देना उसके हुक्मों के सामने अपने आप की, अपने नफ्स की, अपनी ख्वाहिशात की, अपने रस्म व रवाज की, अपने समाज के जो रस्म व रवाज हैं उनकी कुर्बानी पेश कर देना। और क्यों? तजल्लुल यानी आजजी इख्तियार करना। क्यों? मा महब्बत ही व ताजीम ही, यानी उसकी मोहब्बत में और उसकी ताजीम में, कि वो वर्दी है, वो आला दर्जा रखता है, आला मकाम रखता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल जब हम कहते हैं, अल्लाह सुबहानहू व तआला जब हम कहते हैं, तो वो दरअसल लहुल अस्माउल हुस्ना व लहुस सिफातुल उला, उसके लिए अस्माउल हुस्ना है, उसके लिए खूबसूरत सिफात हैं, तो वो इस बात का हक रखता है कि उसकी मोहब्बत के साथ उसकी ताज़ीम की जाए और इताअत की जाए उसकी मोहब्बत और उसकी ताज़ीम के साथ। गोया के इबादत जो है वो दरअसल मस्दर है, ये रूट है, और उसी से लफ्ज़ जो है वो निकलता है। इस रूट से निकलने वाला लफ्ज़ जो है वो है आबादा या अबुदू, और उसी से जो मस्दर बनता है वो इबादतुन से, यानी सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान व तआला ने जो लफ्ज़ इबादत इस्तेमाल किया है ये बहुत आला है, सिर्फ परस्त का नाम नहीं है। अब अस्सलातु यानी इबादतुन है, लेकिन इबादत की एक किस्म है। ज़कात इबादत है लेकिन इबादत की एक किस्म है। इसी तरह से सदका इबादत है लेकिन इबादत की एक किस्म है। लेकिन इस सारी इबादतों का असल मकसद क्या है? अल्लाह ताला के सामने आजजी, उसकी मोहब्बत, उसकी ताज़ीम। और इसीलिए यानी नमाज जो है वो इबादतों में से सबसे अफजल इबादत है, कि इसमें ज़ाहिर और बातिन दोनों इन्वॉल्व हैं, कि जाहिर से भी कुछ ऐसी हरकत हो रही हैं और बातिन में भी कुछ ऐसे काम हो रहे हैं कि जो अल्लाह ताला का कुर्ब देने वाले हैं, अल्लाह ताला के करीब करने वाले हैं। तो ये जो इबादत का लफ्ज़ है, अय्याक नअबुदु व अय्याक नस्तईन और इबादत, ये बहुत जामे और अहम लफ्ज़ है और इसको जहन में रखा जाए। फिर इसके बाद एक और इसका, इस सूरत का क्या उसको कहते हैं कि इसका जो ओवरव्यू है और इसकी एक ज़ाहरी शक्ल है, कि हम इसको अगर देखना चाहें यानी दूर से खड़े होकर इसकी एक शक्ल देखना चाहें, यानी इसको जिसका, इसको हम कह सकते हैं कि इसका नज़्म जली जो है वो इस तरह से भी है कि इस सूरा को चार पैराग्राफ में तकसीम किया जा सकता है। तफसील बहुत है लेकिन मैं इसको मुख्तसर करते हुए हम इसको इस तरह से करेंगे कि चार पैराग्राफ में हम इसको तकसीम करेंगे। इसमें जो पहला पैराग्राफ है वो एक आयत नंबर एक से लेके आयत नंबर चार तक है, जिसमें आदाब दुआ सिखाए गए हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरा है वो है इस्तिहकाके दुआ, यानी जब इंसान ने अल्लाह ताला को इलाह मान लिया, उसको अपना माबूद मान लिया, जब उसने अपने आप को उसकी अबदियत में दे दिया और मान लिया कि मैं उसका बंदा हूं और वो मेरा माबूद है, वो मेरा इलाह है, तो फिर उसको एक हक मिल गया। और वो हक कौन सा है? कि वो फिर उसी इलाह से ही रास्ता मांगे, वो उस इलाह से ही दुआ मांगे, वो उस इलाह से ही हिदायत मांगे, वो उस इलाह ही को अपना मुश्किल कुशा, अपना हाजत रवा, अपना सब कुछ माने। तो इस्तिहकाके दुआ जो है वो दरअसल आयत नंबर पाँच में उसको मिल गया। वो आयत नंबर एक से चार के अंदर क्या है? अल्लाह ताला की का शुक्र है, उसकी हम्द है, उसकी सना है, उसके अस्माए सिफात आ गए हैं और उसकी रुबूबियत है, उसकी रहमानियत का इकरार है, उसकी रहीमियत को मानना है, रहमानियत और रहीमियत में जो फ़र्क है उसको समझना है, और उसको उसकी मिल्कियत का, कि वो मालिक है, वो मुख्तार है, वो मुकम्मल कंट्रोल रखने वाला है। अभी भी जब हम हालात से थोड़ा परेशान होते हैं और वाकयात होते हुए देखते हैं दुनिया में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, तो बाज़ोकात ये लगता है कि पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है या ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि पूरा कंट्रोल अल्लाह सुभान व तआला के पास है। वहुवल काहिरु फौका इबादी, मुकम्मल इख्तियार उसके पास है, वो मालिक यौमिद्दीन का ही नहीं बल्कि वो दुनिया का भी मालिक है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसका भी वो मालिक है और वो बखूबी वाकिफ है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह सुभान व तआला की मिल्कियत का मुकम्मल एतराफ, इसका इदराक,
इसका शऊर हासिल करना, तो ये जो इदराक और ये शऊर है एक मोमिन के जहन को खोल देता है, उसके उसके दिल को, उसके सीने को सकीनत से भर देता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत में वो रंग जाता है, जैसा जितना उसके ऊपर सोचता चला जाता है उसकी मोहब्बत में वो डूबता चला जाता है, उसकी मोहब्बत को महसूस करता है, उसकी कुव्वत को, उसके कहर को, उसके गलबे को अपने ऊपर महसूस करता है और हर हर चीज़ के ऊपर महसूस करता है। और सच्ची बात यह है कि हर चीज़ उसके सामने ताबे है, हर चीज़ उसके इताअत में लगी हुई है, एक इंसान की बगावत के सिवा। और उसमें भी वो अल्लाह वाले मौजूद हैं कि जो उसके खौफ से रगबम व रहबा वाली कैफियत के साथ वो अल्लाह ताला से जुड़े हुए हैं और उनके ईमान जो हैं वो पहले से बढ़ गए हैं और उनका ताल्लुक बिल्लाह जो है वो ज़्यादा हो गया है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह ताला को मालिक होना मान रहे हैं, उसकी मिल्कियत को महसूस कर रहे हैं, उसके कंट्रोल को महसूस कर रहे हैं। तो उसकी मिल्कियत का इकरार करना, और इस लफ्ज़ को मालिक भी पढ़ा गया और मलिक भी पढ़ा गया है, और अल्लाह सुबहाना व ताला के नाम जो हैं अलमालिक अलमलिक अलमलिक मलिक मुख्तदिर, ये भी कुरान मजीद में मौजूद है, तो ये भी इसके अंदर आ जाता है। और नंबर दो आयत नंबर 5 इसमें दुआ मांगने का हक दे दिया गया, यानी इताअत और इबादत जब हमने इख्तियार की है तो फिर सीधा रास्ता किससे मांगना है, इबादत और इख्तियार इबादत और इताअत किसकी करनी है, और जब हमने उसको ताकतवर समझ लिया और जब हमने उस अपने आप को उसकी ग़ुलामी में दे दिया, उसकी अबदियत में दे दिया, उसकी मुलाजमत में दे दिया, तो वही हस्ती है कि जिससे जो हमारी जो मुता है, जो माबूद है, जो इला है, तो हम उसी से, सिर्फ और सिर्फ उसी से। और यहाँ पर इंशाअल्लाह तफसीर में जाके हम देखेंगे कि जो तरतीब है वो है दरअसल नअबुदु इय्याका व नस्तईनु इय्याका, लेकिन इय्याका को मुकद्दम कर दिया गया, इय्याका मफ़ूलुन बिही है, जिसको मुकद्दम करके दरअसल इसको हसर कर दिया गया है, इख्तिसार इसके अंदर आ गया, हसर आ गया। और हसर का माना मैं एक दफ़ा अभी से आपको समझा देती हूँ कि हसर का माना कई दफ़ा मैंने इसको पढ़ा लेकिन पूरी तरह से जहन उसको कैप्चर नहीं जैसे कर रहा था, तो एक दफ़ा उस्ताद अहमद अलमगरबी, अल्लाह ताला उनसे खुश हो और उनको अपनी रहमत में रखे, उन्होंने इसको इस तरह से बयान किया और मैं यहाँ पर, मुझे अब याद आ गया तो मैं आपके सामने भी रख देती हूँ कि हसर का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आगे चल के आएगा। तो उन्होंने बताया कि हसर क्या है, उन्होंने कहा कि एक मिसाल से इसको समझिए कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में मौजूद मर्द, यानी इंसानों में से भी मर्द जो हैं, मर्द और औरत सारे इंसान हैं लेकिन उनमें से मर्दों को अलग कर लो, पूरी दुनिया के मर्द, फिर उसके बाद हम कहें कि पूरी दुनिया के मुसलमान मर्द, फिर उसके बाद हम कहें कि पूरी दुनिया के मुसलमान मर्दों में से जज़ीरतुल अरब में आबाद मुसलमान मर्द, फिर हम उससे और हसर करें तो हम कहें कि जज़ीरतुल अरब में से भी जिस शहर में आप हैं, मसलन इस वक्त हम यहाँ पर हैं, तो इस शहर में बसने वाले तमाम मर्द, फिर तमाम मुसलमान मर्द, फिर उसके बाद और हसर करें तो हम ये करेंगे कि इस महल्ले में आबाद तमाम मुसलमान जो हैं वो मर्द। तो ये दरअसल मुराद है। तो मतलब दरअसल हसर से ये है कि यानी हसर कहते हैं दरअसल किसी भी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ छोटी सतह पर ले आना, यानी कम करते चले जाना, लिमिटेड करते चले जाना, महदूद करते चले जाना। तो यहाँ पर जो हसर हुआ है वो ये कि इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहानहू व तआला है। इंसानी अकल में तो काबले सताइश या काबले इबादत और भी चीज़ें हैं, किसी ने पत्थरों की इबादत की, किसी ने बुतों की इबादत की, किसी ने लकड़ी के बुतों की इबादत की, किसी ने सूरज की परस्तिश की, किसी ने चांद और सितारों को अपना माबूद बना लिया, किसी ने आग को माबूद बना लिया। तो ये कितने ही ज़्यादा बातिल माबूद जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं और इबादत के मुख्तलिफ तरीक़े भी मौजूद हैं जो इंसान ने अपनी अकल से इख्तियार कर लिए या जहालत से इख्तियार कर लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ और सिर्फ खालिसतन अगर कोई इबादत के लायक है तो वो कौन है? अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, जिसको हमने इलाह माना। सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ तेरी ही इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं,
और इबादत का मफहूम भी ज़हन में रखिएगा। वइयाका नस्ताईन, और ए अल्लाह हम सिर्फ तुझसे ही मदद तलब करते हैं, तुझसे ही इयानत तलब करते हैं, यानी हर चीज़ का इब्ताल करके, हर चीज़ की नफ़ी करके, हर चीज़ के ऊपर ला कह के, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी हर चीज़ वो चीज़ के जिसके साथ इबादत का शायबा तक भी है, उस सब की कतईयत करने के बाद अगर कोई इबादत के लायक है तो ए अल्लाह सिर्फ तू है और हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और हम सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। तो देखें ज़रा किस तरह से, यानी नचोड़ आ गया ना कि इंसान अगर अपने आप को इस पर मरकूज कर ले, ये बात अगर उसकी समझ में आ जाए तो उसको तो सब कुछ ही मिल गया, सारी चीज़ें ही उसके पास आ गई, सारे ख़जाने ही उसको मिल गए, उसका तो क़िबला दुरुस्त हो गया, उसकी तो सिमत जो है वो तो सही सिमत पे चल पड़ा, वो तो सही रास्ते पे आ गया जिसने इस बात का इकरार कर लिया। फिर अगला हिस्सा जो है, यानी तीसरा उसका हिस्सा, वो आयत नंबर 6 के अंदर, और उसमें जो है वो असल दुआ सिखा दी गई, और दुआ भी इतनी जामे, इतनी बड़ी कि जो सारी दुआओं का इहाता करती है, जो सारी दुआओं को अपने जलों में समेटे हुए हैं, जो सारी दुआओं के साथ साथ है, यानी ये एक दुआ सारी दुआओं की कायम मकाम भी हो सकती है। वो क्या है? इहदिना अस्सिरात अल-मुस्तकीम, यानी ये अल्लाह मरते दम तक हमें सीधे रास्ते पर रखना, यानी ऐसी जामे दुआ कि हमें उस रास्ते पर रखना कि जो तौहीद का रास्ता है, जो कुरान और सुन्नत का रास्ता है। रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन हम जिस रास्ते की आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं वो ऐसा रास्ता जो एक ही रास्ता है, तौहीद का रास्ता है, हक का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है, तुझ तक पहुंचने का रास्ता है, तेरे इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है, हमें उसी रास्ते पर चलाना। और जैसा कि पहले भी हम जिक्र कर आए, असल मकसूद क्या है? रास्ते पर रहना, रफ्तार कुछ भी हो, जिस तरह से भी हम चल रहे हों, हत्ता कि गिरते पड़ते भी अगर चल रहे हैं, कम हिम्मती से भी अगर चल रहे हैं, अगर हैं उस रास्ते पर तो इंशाअल्लाह कामयाबी यकीनी है। लेकिन अगर उस रास्ते से हट गए तो उस रास्ते से के अलावा कोई हिदायत का रास्ता नहीं है, कोई सिरात मुस्तकीम नहीं है, कोई तौहीद का रास्ता नहीं है, फिर दलाल है, गुमराही है, बेदत है, शिर्क है, तारीकी है, अंधेरा है, बहुत कुछ है और बहुत कुछ है, लेकिन सीधा रास्ता नहीं हो सकता वो। तो अल्लाह ताला से ही मांगा इहदिना अस्सिरात अल-मुस्तकीम। और फिर उसके बाद जो नंबर 4 है, ये जो चौथा इसका हिस्सा है, चौथा पैराया है, उसमें दोनों तरीके आ गए कि ईजाब भी है और सल्ब भी है। यानी ईजाबी से मतलब क्या है कि ईजाबी से मतलब कि यानी वो जो मुस्बत रास्ता है, वो जो सही रास्ता है, और वो हमने मांग लिया कि सिरात अल्लज़ीना अनामता अलैहिम। अब ये अनामता अलैहिम इंशाअल्लाह इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये है कि यानी हमने उन लोगों को अपना रोल मॉडल बनाया जो अल्लाह ताला के करीब हैं, जो इनाम याफ्ता हैं और जिनके लिए इनाम का वादा हो चुका है। ये नहीं कि वो इनाम लेंगे, अल्लाह ताला ने देना तो शायद बाद में होगा, ये भी उसका इनाम है कि दुनिया में वो उनको हिदायत के रास्ते पर चलाए और उसने उनको चलाया, यानी रिवॉर्ड जन्नत की शक्ल में तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से जब मिलेगा मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी ये हिदायत नसीब हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें हिदायत दी, ये भी कितनी बड़ी बात है। और फिर उसके बाद जो इसमें सल्ब का माना है वो ये कि खुद ही हमने ये शऊर के साथ ये कह दिया, उस रास्ते पर चलाना कि जो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है, अनामता अलैहिम, ना कि उस रोज रास्ते पर चलाना कि गैरिल मग़दूब अलैहिम वरद्दालीन, ना ही मग़दूब लोगों का रास्ता हो, यानी वो कौमें कि जो तुम्हारे अल्लाह ताला गज़ब का मुस्तहिक बनी, और वो कौमें कि जो गुमराही का रास्ते पर चली, तुम हमें उनके रास्ते पर न चलाइएगा, अल्लाह ताला हमें उनके ऊपर उनके रास्ते पर नहीं चलाइएगा। और पूरी सूरत का मरकज़ी मज़मून जो है वो हमने पहले भी जिक्र किया, वो इस तरह से भी हो सकता है कि इहदिना अस्सिरात अल-मुस्तकीम,
और इसका जो खुलासा खुलासा है वो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के अंदर भी आ जाता है। तो हम अपने खालिक व मालिक, अपने रब रहमान और रहीम से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो मरते दम तक हमें सीधे रास्ते पर चलाता रहे और हम आमाल सालिहा जैसे कैसे भी हों, लेकिन अमल सालिह होना चाहिए अच्छी नीयत के साथ, आमाल सालिहा के ज़रिए से उसकी रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते रहें। तो अब ये यहाँ पे एक जो बड़ी अहम बात है वो ये कि उसकी रज़ा और उसकी खुशनुदी जो है वो हासिल की जाएगी, यानी हमारी कोशिश और तगोदो जो है वो ठीक है, जन्नत का वादा है, जन्नत के लिए भी होनी चाहिए, लेकिन हमारी रज़ा और हमारी खुशनुदी जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए होनी चाहिए। हमारी दौड़ धूप जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए होनी चाहिए कि अल्लाह ताला इंसानों को जब जन्नत दे देंगे तो ठीक है, ये एक इनाम है जो इंसानों को मिलेगा, लेकिन इससे बढ़ कर के जो चीज़ है वो दरअसल अल्लाह सुबहाना व ताला की रज़ा है। यानी जन्नत के इनाम में नहीं, जो अल्लाह वाले होते हैं वो चीज़ों के लालच में नहीं अल्लाह ताला के इताअत करते। ये बड़ा बुलंद मकाम है, ये मकामुल एहसान है, ये मकामुल एहसान है कि चीज़ों की मोहब्बत, इनाम की लालच में, वो के लालच मौजूद है, जन्नत के वादे मौजूद हैं, और चूंकि इंसान की जिबिल्लत है, इंसान को इस पर पैदा किया गया है कि वो इनाम के लालच में अच्छे काम इख्तियार करता है और वो सजा से डरता भी है, ये उसकी फितरत में अल्लाह ताला ने ये चीज़ें रखी और इसका वादा भी दिया। लेकिन अगर मकाम एहसान पर कोई अपने आप को पहुँचाना चाहता है और मोहब्बत के कमाल तक अपने आप को पहुँचाना चाहता है, तो शुरू में जो हमने जिक्र किया था कि कमालु मोहब्बत रब्बी और कमालु रग़बती फ़ीमा इंदल्लाहि अज़्ज़ा वजल, और फ़ीमा इंदल्लाहि अज़्ज़ा वजल यानी इंद रब क्या है, वो दरअसल वो रिदवान है कि जब अल्लाह सुबहानहु व तआला सारे लोगों को जन्नत में उनके दरजात पर फ़ाइज़ कर देंगे, उनको उनकी जगह दे देंगे, और जिस जिस लेवल पर भी जो शख्स अल्लाह ताला के हुक्म से जाएगा, अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपने फ़दल से उसको जो अता कर देंगे, जब वो उसके ऊपर मुस्तकिर हो जाएगा, उस पर मुकीम हो जाएगा, उस पर उसको सुकूनत मिल जाएगी, तो फिर अल्लाह सुबहानहु व ताला अहले जन्नत से सवाल करेंगे। और ये तवील हदीस है, मैं मुख्तसरन आपके सामने रख रही हूँ, वो ये कि अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कि क्या तुम राज़ी हो उन नेमतों से जो मैंने तुम्हें दी हैं, और अहले जन्नत कहेंगे या अल्लाह ताला नाराज़ी की तो कोई बात ही नहीं है, यानी इतना आपने हमें दे दिया कि अब हम किस बात पे नाराज़ हों या किस बात का शिकवा करें, हमारे तो सब दुख दर्द सब दूर हो गए और जो चीज़ें हमें मिलनी थी उससे कहीं बढ़ के हमें मिल गई हैं। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि अच्छा मैं तुम्हें एक और चीज़ देता हूँ, तो अहले जन्नत हैरान होंगे, वो कहेंगे कि अच्छा इन सब नेमतों के की मौजूदगी में भी कुछ और बाकी रह गया, तो फिर अल्लाह सुबहान व ताला उनको अपना दीदार कराएंगे और अपनी रज़ा और अपना रिजवान उनके ऊपर नाजिल करेंगे, और वो ये कि आज के बाद से मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा, हमेशा से राज़ी हूँ। और ये दरअसल दुनिया में भी उन लोगों को मिल गया जिनके लिए सुबहान अल्लाह जो इतना बड़ा मकाम पा गए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्ह, यानी सहाबा के लिए ये आया कि ये वो लोग हैं कि जमातुन मिनल मोमिनीन के जो जिनके लिए अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, पहले से ही ऐलान कर दिया कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो उससे राज़ी हो गए, यानी दोनों तरफ, ये नहीं है कि वो अपने अंजाम से मुतमईन नहीं है बल्कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया, वो भी अपने अंजाम से और अल्लाह ताला की रज़ा के साथ राज़ी और खुश हैं और मुतमईन हैं। तो जब हम इसका एंड करते हैं तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं कि ये जो कमाल मोहब्बत रब है और कमाल रग़बत फ़ीमा इंदल्लाहि अज़्ज़ा वजल है, ये दरअसल इसका इत्माम हो रहा है और इसका इसका अंजाम जो है वो इस तरह से हो रहा है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें तो दरअसल ये चीज़ चाहिए और यही दरअसल मोमिन का मतलूब भी होना चाहिए, इसी के लिए मोमिन को हरीस होना चाहिए, इसी के लिए मोमिन को कोशिश करनी चाहिए कि जन्नत के लिए नहीं, यानी मकाम एहसान, इत्कान, हर चीज़ को बेस्ट करना, बिला शुबा जन्नत भी इंसान का मतमाई नज़र है, राहतें भी उसका मतमाई नज़र हैं, और उसके अंदर इन चीज़ों की तमन्ना और उसके इसको हासिल करने की ख्वाहिश भी मौजूद है, लेकिन रब का रिजवान, उसकी रज़ा जो है वो बहुत आला है, बहुत बढ़ कर के है, और अल्लाह सुबहानहु व ताला हमें
उसमें से हिस्सा नसीब फरमाए और हमारी नियतों को ऐसे ही इखलास नसीब फरमाए जैसा कि उसका हक है और हम उसकी रज़ा और उसकी खुशनुदी को हम हासिल कर सकें। तो ये दरअसल आज का जो हमारा टाइम देख लूँ, अच्छा टाइम तो मुकम्मल होने के करीब है। तो आज का हमारा ये जो था तारुफ सूरा अल-फातिहा के हवाले से, ये दरअसल उसका ओवरव्यू था। तो अब हमने इसकी यानी वर्ड टू वर्ड तफसीर में दाखिल होना है, और तफसीर में भी हम जो उसलूब इंशाअल्लाह बिज़्निल्लाह इख्तियार करेंगे वो वही होगा जो हमने उसूल तफसीर पढ़े हैं। इसमें दो चीज़ें जहन में रहेंगी इंशाअल्लाह, एक तो ये कि उसूल तफसीर में से हमने जो उसूल पढ़े थे उसमें से एक ये था, अगर आपको याद है और अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं और अगर आप अपने होमवर्क के ऊपर चेक रख रही हैं, क्योंकि हमारे ये सेशन, हमारी ये तफसीर जो है, अगर कोई शख्स फ़ायदा उठाना चाहे, जो उमूमी फ़ायदा उठाना चाहे, तो अल्लाह ताला का कलाम ही ऐसा कलाम है कि जो हर इंसान के लिए फ़ायदा मंद है, किसी न किसी एतबार से उसको फ़ायदा देता है। लेकिन ये ख़ास तौर पर कुरान मजीद के तालिब इल्मों के लिए है कि जो बाकायदा इसको स्टडी करना चाहते हैं एक तालिब इल्म की हैसियत से, अपने जानों बिछा के, और यानी क्या उसको कहते हैं कि उस फलाने जो है वो शागिर्दी इख्तियार की कि हम कुरान मजीद के शागिर्द बनना चाहते हैं, कुरान मजीद से हम के तालिब इल्म बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनन हम अपने नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स में आपने ये बात याद रखी होगी कि तफसीर अल आया बिल आया, और फिर तफसीर अल आया बिल हदीस दूसरा नुक्ता, और फिर तफसीर असहाबा यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने, और फिर बाद के लोगों ने, अहले इल्म ने उस पर फिर जो अपनी उसकी जो तफसीर बयान की है उसको हम देखेंगे। तो आगे अब जब हम चलेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर हम जिस भी आयत को पढ़ेंगे उसमें हम पहले तो उसकी तफसीर जो है वो आया बिल आया करने की कोशिश करेंगे, और आयत जिस तरह से उसकी तफसीर कर रही है हम उसको देखने के बाद, फिर अगर उस आयत के ज़ैल में हमें कोई हदीस भी मिल जाती है तो हम इंशाअल्लाह उसको लेकर आएंगे। फिर उसके बाद अगर उसके उस आयत की तफसीर में किसी भी सहाबी का, ख़ास तौर पर जो मुफस्सिरीन कुरान है जिनमें सबसे पहला नंबर सूरा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का है, या उसके अलावा जो मुफस्सिरीन कुरान है उनकी जो राय उसके बारे में थी, उन्होंने उसकी तफसीर किस तरह से की, उसको इंशाअल्लाह हम सामने रखेंगे। फिर उसके बाद जो ताबईन और फुकहा हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनकी राय को भी हम सामने रख लेंगे। तो इस तरह से हम इसको लेकर चलने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ तो ये जहन में रहे अगली दफ़ा के लिए, और दूसरी चीज़ ये जहन में रहे कि हमने जो आज 7 नुकात पढ़े हैं सूरा अल-फातिहा के, उन 7 नुकात की रोशनी में हम अगली आयात का मुताला करेंगे, यानी अगली सूरा जो है उनको देखेंगे। और इस सूरा को, सूरा अल-फातिहा को, हम सूरा अल-फातिहा की तफसीर इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन अल सूरा अल-फातिहा को हम इंशाअल्लाह हर सूरा की भी ओपनिंग करार देते हुए, यानी फातिहातुल किताब भी है, फातिहातुस सूरा भी है। आज हमने इसको फातिहातुल किताब की शक्ल में देखा है, और इंशाअल्लाह जब हम इसको हम देखेंगे फातिहातुल सूरा अल-बकरा की तफसीर शुरू करेंगे, तो फिर हम इसको फातिहातुस सूरा की शक्ल में देखेंगे कि किस तरीके से ये चाबी है जिसके ज़रिए से हम सूरा अल-बकरा के दरवाज़ों को खोलेंगे और सूरा अल-बकरा की तफसीर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बिज़्निल्लाहि ताला। तो मेरी ख्वाहिश तो थी कि हम किसी एक मुहसिन अपने सहाबी का तज़किरा भी देख लेते, लेकिन अब वक्त ख़त्म हो चुका है, 1.5 घंटा हो गया है, और मैं क्लास को 1.5 घंटे से ज़्यादा तवील नहीं करना चाहती कि उसके नोट्स बनाना और उस पर काम करना काफ़ी हो जाता है। तो इंशाअल्लाह बिज़्निल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर अगले सबक में हम सूरा अल-फातिहा की तफसीर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बिज़्निल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.